नमस्कार, मैं हूं विपुल चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वायर। किसान आंदोलन का 27वां दिन चल रहा है। इस आंदोलन में अब तक 25 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन भारत सरकार इस विषय पर अभी तक गंभीरता से चिंतन करते हुए नहीं दिख रही है। वैसे ही हमारे देश में पहली बार तो हुआ नहीं है जब किसी ने अपने हक या अपने अधिकारों के लिए अपनी जान गंवाई हो। अपने देश में अक्सर आप देखते ही रहते होंगे। ये घटनाएं अब इतनी आम हो चुकी हैं कि लगता है अपने देश में सबसे सस्ती अगर कुछ चीज़ है तो वो इंसान की जान है, फिर चाहे वो खेत में मर रहा किसान हो या सीमा पर खड़ा जवान। क्योंकि सरकार जानती है किसान आंदोलन में नहीं मरेगा तो फिर वो आत्महत्या करेगा, जैसे संत बाबा राम सिंह ने की है। हालांकि वो किसान नहीं थे, लेकिन किसानों को न्याय मिले इस कारण उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आज तक के इतिहास में जितनी भी सरकारें आई हैं सब ने अपना अपना राग अलापा है। कोई कहता है हमने किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया, तो कोई कहता है किसानों को आधुनिकता के साथ चलना सिखाया। किसी ने कच्चे घर को पक्के घर बनवाने की बात की, तो कोई कहता है पहले किसान चूल्हा जलाता था, हमने उसके घर तक गैस सिलेंडर फ्री पहुंचाया। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी उपलब्धियां गिनवाकर एक दूसरे पर कटाक्ष कर राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं, कभी किसी बिल के नाम पर तो कभी अच्छे दिनों के नाम पर। ये हाल सिर्फ भाजपा की सरकार में नहीं है बल्कि कांग्रेस के वक्त भी यही था। अगर न होते तो याद कीजिए मध्य प्रदेश के साल 2018 के विधानसभा चुनाव, जब राहुल गांधी ने चुनावी रैली के दौरान किसानों को कर्ज माफी का वादा किया था। हालांकि चुनाव जीतने के बाद वादा पूरा किया गया था, लेकिन ये सवाल लाजमी है कि अगर कांग्रेस ने किसानों के हालातों को सुधारने के लिए ज़मीन पर काम किया होता तो उन्हें चुनावी रैली के मंच से माइक का सहारा लेकर किसानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए लौटते हैं किसान आंदोलन की तरफ। मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ न्यूज़ चैनल किसानों को खालिस्तानी होने की उपाधि दे चुके हैं और आंदोलन को शाहीन बाग पार्ट 2 का नाम भी दे दिया है। खैर छोड़िए, इसकी आदत अब आपको हो जानी चाहिए, क्योंकि अपने देश में सरकार का विरोध करने का मतलब यही होता है सरकार का विरोध सिर्फ खालिस्तानी या फिर देश के गद्दार ही कर सकते हैं। देशभक्त तो विरोध करेंगे नहीं, अरे माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब है सरकार के भक्त। अब हम भी क्या करें, यहाँ सरकार के भक्तों को देशभक्त की उपाधि मिलती है और सरकार के विरोधियों को देशद्रोही की। खैर आजकल सफ़ेद दाढ़ी का प्रचलन है, आप भी रख के हैंडसम लगेंगे। कुछ सरकार भक्तों का कहना है कि आंदोलन में बैठे लोग तो अच्छा खाना खा रहे हैं और गाड़ियों से आ रहे हैं, तो वो किसान कैसे हो सकते हैं। खेत में मरता किसान आज तक किसी को नहीं दिखा, लेकिन आज उनके खाने से लेकर पहनावे से बड़ी तकलीफ होने लगी है। ये सवाल आप खुद से पूछेगा कि किसान अच्छा खाना नहीं खा सकता क्या, क्या गाड़ी नहीं चला सकता, जब हमारे देश के गरीब नेता विदेशों से लाखों रुपये के मशरूम मंगाकर हर रोज़ खा सकते हैं, तो फिर किसान गेहूं के आटे का पिज़्ज़ा क्यों नहीं खा सकता। आधे देश को खरीद लेने की क्षमता रखते हों सरकार उनका कर्ज माफ़ करती है, और जिस किसान की दिन रात की मेहनत से ही अपना पेट भरते हैं उसको कर्ज के लिए परेशान। किसान इतना परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। पिछले 6 साल में किसान आत्महत्याओं में 45% का इजाफा हुआ है। हर रोज़ 40 किसान आत्महत्या करते हैं। ज़माना मॉडर्न हो चुका है, अच्छी पगड़ी पहनकर, अच्छा सूट पहनकर, कंधे पर हल रखकर, आसमान में देखते हुए फ़ोटो खिंचवाकर उसे फ़ोटोशॉप से खेतों के बैकग्राउंड में दे देने से फ़ोटो खिंचवाकर उसे फ़ोटोशॉप से खेतों के बैकग्राउंड दे देने से आज कोई भी किसान बन जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि लोग ऐसे लोगों को किसान समझ भी लेते हैं, लेकिन सड़कों पर हक के लिए लड़ते किसान में इस मॉडर्न ज़माने के लोगों को आतंकवादी दिखता है। आवाज़ उठाने का काम मीडिया करती है, लेकिन 80% मीडिया क्या कर रही है ये सब जानते हैं। लेकिन सबको ये याद रहे कि जब दिन रात खेत में किसान कमाता है तब जाकर पूरा देश खाता है। हम चांद पर पहुँचे या मंगल पर, पेट भरने के लिए हमें अनाज ही खाना पड़ेगा। जिसे उपजाने का काम एक किसान करता है, कोई उद्योगपति नहीं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब करें।